हेलो एवरीवन माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डीपीपी नंबर वन में डिस्कस करने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो बेस्ड होंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर अनाटमी ऑफ लंग्स पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पर यानी कि इन सभी टॉपिक्स पर मिक्सड क्वेश्चन मैं आज, आज आपसे डिस्कस करूंगा बिलीव कीजिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन क्वेश्चन के जो राइट आंसर हैं वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर भी बताना है फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट सपोर्टेड बाय इनकंप्लीट कार्टिलेजियस रिंग तो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए गए ट्रैकिया सेकेंडरी ब्रोंकाय टर्मिनल ब्रोंकिल्स प्राइमरी ब्रोंकाय इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके आउटर लाइनिंग पर सी शेप्ड हायलिन कार्टिलेज की रिंग्स या इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट नहीं होती हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि सी शेप्ड हायल इन कार्टिलेजियस रिंग जो है वो ट्राकिया का, ट्राकिया पर प्रेजेंट होती हैं ये प्राइमरी पर भी प्रेजेंट होती हैं ये सेकेंडरी ब्रोंकाय की आउटर लाइनिंग पर भी प्रेजेंट होती हैं ये टर्सरी ब्रोंकाय पर भी प्रेजेंट होती हैं यहां तक कि ये इनिशियल ब्रोंकि पर भी प्रेजेंट होती हैं लेकिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पर सी शेप्ड हायलिन कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इतना मैंने आपको बता दिया है अब आपको आंसर देना बहुत ज्यादा आसान हो गया है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थ्री होगा तो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री क्योंकि ब्रोंकाय पर यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाय पर ट्रैकिया पर और इनिशियल ब्रोंकिल्स पर जो सी शेप्ड हायलिन कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि ये कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती हैं इन स्ट्रक्चर्स को लेकिन Terminal bronchioles पर कोई भी hyaline ring present नहीं होती है, है आपको याद रखना है और आप इजीली नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब एक्सटेंडिंग अपड थोरासिकी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है जैसा कि हम जानते हैं हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा है कि जो ट्रैकिया है वो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जिसको विंड पाइप के नाम से भी हम जानते हैं और ये ट्यूब हमारे बॉडी में एक्सटेंडिंग अप होके मिड थोड़ा से कैबिटी में एक पर्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद अपने आप को डिवाइड कर देती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाय देखिए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये ट्रैकिया है जिसके ऊपर इस तरीके से इनकंप्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होंगी बॉडी की थोड़ा से कैबिटी में मिड थोड़ा से cavity तक जाने के बाद इस तरीके से लेफ्ट और राइट right ब्रांच कर लेती है अपनी इनकी जो ब्रांचिंग आप लेफ्ट और राइट right साइड पर देखते हैं इनको हम प्राइमरी कहते हैं यह भी हम जानते हैं तो यह इनकी जो ब्रांचिंग से बनने वाले स्ट्रक्चर हैं यह प्राइमरी ब्रोंकाय है अब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आपसे वो ये पूछा जा रहा है कि जो विंड पाइप है या कह सकते हैं ट्रैकिया है वो मिड थोरासिक कैबिटी में किस लेवल पर जाकर अपने आप को डिवाइड करती है तो मैं आपको यहां पर बिल्कुल ये बता देता हूं कि मिड थोरासिक कैबिटी में एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा ये हमने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी -E की लाइन है तो हमारे वर्टीवरल कॉलम में जो थोरासिक वर्टिब्री है उसमें फिफ्थ नंबर के थोरासिक वर्टिब्रा के लेवल पर यह जो ट्रैकिया है विंड पाइप है वो अपने आप को डिवाइड कर देता इंटू है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन थ्री होगा यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है थोरासिक वर्टिब्रा जो फिफ्थ नंबर पर प्रेजेंट होगी जिसको हम कहेंगे फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थ्री यानी कि फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा अगला क्वेश्चन है आउटर प्लूरल मेंब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद तो हम सभी जानते हैं जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है एनाटमी ऑफ लंग्स में कि जो लंग्स हैं वो एनक्लोज होते हैं दो मेंब्रंस की हेल्प से तो लंग्स एनक्लोज बाय टू मेंब्रेन एक मेंब्रेन को हम आउटर प्लूरा कहते हैं और दूसरी जिससे लंग्स एनक्लोज होते हैं उसको हम इनर प्लूरा कहते हैं यहां पर मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आउटर प्लूरा को हम पैराइटल प्लूरा के नाम से भी जानते हैं जबकि इनर प्लूरा को हम जनरली विसरल प्लूरा भी कहते हैं ठीक है ना तो अब यहां पर आंसर देना बहुत इजी है जो आउटर प्लूरा होगा वो क्लोज कॉन्टेक्ट में होगा थोरासिक कैविटी के एंड जो इनर प्लूरा या विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन होगी वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होगी लंग सरफेस के तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन टू यानी कि थोरासिक कैबिटी तो आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन जिसको हम जनरली पैराइटल प्लूरा भी कहते हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है थोरासिक कैबिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन अगर आप फोर्स फुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो उसके बाद आपके लंग्स में कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर होगा जो शेष बचेगा इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप पूरी ताकत लगाकर अपने लंग्स में भरी हुई एयर को एक्सपेल कर दीजिए उसके बाद भी आपके लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगी उसको आप क्या कहेंगे तो जब भी हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो दो कंडीशंस हो सकती हैं जब भी हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है एक आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन आप एक कंडीशन क्या है फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड दूसरी कंडीशन हो सकती है आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन इसका मतलब क्या हुआ समझा देता हूं मैं आपको अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं पर उससे पहले अगर आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया है तो आप जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे तो आप जिस वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपेल करेंगे अपने लंग्स के बाहर वो कौन सी होगी तो आपका आंसर होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेकिन अगर आप फोर्सफुल एक्सपुर कर रहे हैं पर उससे पहले अगर आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया था तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर को आप ब्रीथ आउट करेंगे वो होगी आपकी आई आर वी यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब दोनों ही कंडीशंस में लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर शेष बचेगी रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर वो क्या होगी तो आप सभी जानते हैं रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है ये भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं ये अप्रॉक्सिमेट 1100 से 1200 ml होती है तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि जब आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन करेंगे तो उसके बाद भी आपके लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रहेगा वो रेसिडुअल वॉल्यूम होगी जिसको हम आर वी से रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन यानी कि आपने फोर्सफुल एक्सपाइरेशन कर दिया है उसके बाद आप कितना अमाउंट ऑफ एयर कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में भर सकते हैं ब्रीथ करके तो ब्रीदिंग करके आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में ले सकते हैं लेकिन कंडीशन यहां पर है तब जब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया हो तो जब भी कोई इंसान फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देगा तो वो किस वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स के बाहर निकालेगा तो आपका आंसर होगा वो एटलीस्ट लंग्स की टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी लंग्स के बाहर निकाल देगा यानी कि जब वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर चुका होगा तो उसके लंग्स में केवल और केवल कौन सी एयर बचेगी रेसिड्यूल वॉल्यूम बचेगी जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम केवल लंग्स में बची हुई है अब इंसान जो है वो फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहा है तो वो आर के ऊपर किसको लेगा तो आपका आंसर होगा ईआरवी को लेगा यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फिर वो किसको लेगा टाइडल वॉल्यूम को लेगा और फिर वो किसको लेगा तो आपका आंसर होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लेगा तो सिंपल है अगर मैं बोलूं कि लंग्स के पास केवल रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगी तब जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर चुके होंगे तो अब हमें अगर पूरी ताकत लगाकर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना है तो हम सबसे पहले एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अपने लंग्स में भरेंगे फिर हम टाइडल वॉल्यूम को अपने लंग्स में भरेंगे फिर हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अपने लंग्स में भरेंगे और इन तीनों को एक साथ हम क्या कहते हैं वाइटल कैपेसिटी इन तीनों को एक साथ हम क्या कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब आपको पकड़ना है क्या होगा तो देखिए अगर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपने लंग्स में इन करेंगे वो वाइटल कैपेसिटी होगी लेकिन यहां पर केयरफुली आपको ऑप्शन सेकंड भी पढ़ना है ऑप्शन सेकंड में लिखा हुआ है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो इन तीनों को भी एक साथ हम क्या कहेंगे वाइटल कैपेसिटी ही कहेंगे एंड ऑप्शन थ्री में भी आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है तो आर वी प्लस ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी को एक साथ हम क्या बोलेंगे टी एल सी एंड टी एल सी में से अगर आप आर वी को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा ई आर वी वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका मतलब भी क्या हुआ वाइटल कैपेसिटी तो देखिए यहां पर अलग अलग तरीके से वाइटल कैपेसिटी को ही डिफाइन किया गया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन फोर यानी कि ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट आंसर मतलब है क्योंकि तो जो बची हुई एयर होंगी वो भी वाइटल कैपेसिटी ही मानी जाएगी तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन फोर सिक्स नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ इनकरेक्ट आप यहां पर ध्यान दीजिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है हमें जिस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है वो इनकरेक्ट होना चाहिए विद रेफरेंस टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के रिफरेंस में आपको चार में से एक ऐसे स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो इनकरेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया जा रहा है मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर तो भाई हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को लेना चाहते हैं इनहेल करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि लंग्स के अंदर एयर का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए तभी हाई टू लो कंसंट्रेशन या हाई टू लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर कर पाएगी सिमिलरली एक्सहेलेशन के दौरान लंग्स से एटमोसफेयर में एयर को एक्सपेल करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे लंग्स के अंदर एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए और एटमोस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो कम यही कारण है कि हम एक्सहेलेशन के दौरान क्या करते हैं अपनी थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम को कम करते हैं ताकि पल्मोनरी कैबिटी की वॉल्यूम भी कम हो जिससे कि पल्मोनरी कैविटी के अंदर एयर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सके और हम एक्सहेलेशन कर सकें तो पहला सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो नहीं हो सकता है क्योंकि आपको इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है तो पहला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है इसलिए इस क्वेश्चन का वो राइट right आंसर नहीं हो सकता है दूसरा ऑप्शन है इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर जब आप इंस्पिरेशन करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर थोड़ा से कैबिटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारे रिप्स और लिफ्ट अप होंगे और डॉसो वेंट्रल एक्सिस पर थोड़ा से कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो दूसरा जो आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है यानी कि इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर नहीं हो सकता है तीसरा जो यहां पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिप्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक चैम्बर तो अभी अभी मैंने इस चीज का जिक्र किया कि अगर हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा ये लिफ्ट अप करेंगी हमारे रिप्स को और हमारी ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम को जिससे कि थोड़ा सा चैम्बर या थोड़ा सा कैबिटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी पर यहां पर क्या लिखा हुआ है डिक्रीज होगी तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसको हम यहां पर एक तरफ ले लेते हैं और चौथा स्टेटमेंट भी हम एक बार पढ़ लेते हैं ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीद ट्वेल्व टू सिक्सटीन टाइम्स पर मिनट तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एक हेल्दी ह्यूमन एक मिनट में बारह से सोलह टाइम ब्रीदिंग करता है यानी बारह से सोलह टाइम इंस्पिरेशन करता है बारह से सोलह टाइम एक्सपीरेशन करता है तो ये सेंटेंस भी यहाँ पर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर वो स्टेटमेंट होना चाहिए जो इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन थ्री तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होगा डेट इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं केज ऑफ मैन इज बाय हमारा कैविटी या चेंबर किन से मिलकर बना हुआ है तो ये पहले मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा कैविटी में हमारे वन पेयर ऑफ लंग्स लोकलाइज्ड होते हैं और ये थोड़ा सा कैविटी जो है वो वेंट्रली स्टर्नम डॉर्सली आपको हमेशा याद रखना थोरासिक वर्टिब्राउंड या थोरासिक वर्टिब्री एंड पोजीशन पर बात करें तो रिप्स और अगर मैं विलो बात करूं नीचे बात करूं तो डायफ्राम से गलत नहीं है लेकिन करेक्ट आंसर है आगे भी पढ़ते हैं रिप्स स्टर्नम एंड लंबर वर्टिब्री तो लंबर वर्टिब्री जो होते हैं वो कभी भी थोरासिक चैंबर को सराउंड नहीं करते हैं अगला ऑप्शन है रिप्स एंड थोरासिक वर्टिब्री तो यहां पर यह ऑप्शन सही है लेकिन यहां पर अगर हम देखें सबसे ज्यादा राइट करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा तो वो है ऑप्शन टू ऑप्शन टू में मैक्सिमम स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स के नाम दिए गए हैं जो थोड़ा सा चैम्बर को सराउंडेड करते हैं यानी डायफ्राम को छोड़कर सभी नाम यहां पर दिए गए हैं पर इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में इतने ज्यादा मैक्सिमम करेक्ट नाम नहीं दिए गए जो थोड़ा सा चैम्बर को सराउंड करते हैं तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो यहां पर राइट आंसर होगा एट नंबर क्वेश्चन है ट्रैकिया इज लाइन विद इनकम्प्लीट रिंग ऑफ तो मैं आपको कई बार ये चीज़ बता चुका हूं जब मैंने आपको अनाटमी ऑफ लंग्स पढ़ाया है जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया है वहां पर मैंने आपको बताया कि ट्रैकििया है प्राइमरी ब्रोंका है सेकेंडरी ब्रोंका है टर्सरी ब्रोंका है यहां तक कि इनिशियल ब्रोंकियोल्स ये वो स्ट्रैक्चर्स हैं रेस्पिरेटरी पैसेज के जिनके आउटर लाइनिंग पर सी शेप्ड हाईलिन कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती हैं हायालिन कार्टिलेज रिंग तो याद रखिए हायालिन मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज है तीन डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाया जाने वाला कार्टिलेज जो है वो हायालिन कार्टिलेज है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन फोर तो ऑप्शन फोर जो है वो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है हायलिन कार्टिलेज की बनी होती है एंड नाइन्थ नंबर पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एलवीओलाई फॉर तो ये रट लीजिए आप हमारे लंग्स के पास थ्री हंड्रेड मिलियन हमारे दोनों लंग्स में अप्रोक्सीमेट थ्री हंड्रेड मिलियन या एयर सैक प्रेजेंट होते हैं हमारे दोनों लंग्स में बोथ लंग्स एक लंग्स में अप्रॉक्सिमेट डेढ़ सौ मिलियन एलवीओलाई प्रेजेंट होते हैं पर दोनों लंग्स में बात करें तो तीन सौ मिलियन एलवियोलाई प्रेजेंट होते हैं और एल्वियोलाई का जो मैन फंक्शन है वो ये कि दे इंक्रीज द मोर सरफेस एरिया ये ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके डिफ्यूजन ऑफ गैसेस प्रॉपरली हो सके तो यहाँ पर ऑप्शन टू जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और हमने पढ़ा है कि जब हमारे एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाते हैं इन द केस ऑफ एम फी सीमा जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो क्यों अफेक्टेड होती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो मैन फंक्शन ही जो है एल्फ्यूलाई का वो ये कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या गैसेस का एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर वे में हो सके टेंथ नंबर पर एक क्वेश्चन है इन मैमल्स वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स आर गवर्नड बाय तो हम सभी मैमल्स में जो वेंटिलेशन मूवमेंट हो रहा है लंग्स का कि लंग्स हमारे सिकुड़ते हैं फिर वो फैलते हैं जब भी हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं तो हम एक्सहेलेशन करते हैं जब भी हमारे लंग्स फैलते हैं तो हम इंस्पिरेशन करते हैं ये हम जानते हैं तो वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारे बॉडी में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं नंबर वन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड नंबर सेकेंड डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्शन जब करते हैं तो थोड़ा से चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज होती है जिससे पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है और इस वजह से हम इनहेलेशन कर पाते हैं जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं जब वो रिलैक्स होते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा चैम्बर की जो वॉल्यूम होती है वो हम जानते हैं डिक्रीज़ हो जाती है और इस वजह से पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम भी डिक्रीज होती है और उस कंडीशन में हम एक्सहेलेशन करते हैं तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सप्रेशन में हमारी बॉडी में जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं उनको आप अब ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन है वो मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स तो ये तो यहां पर पूरी तरह से गलत हो जाता है इसका कोई भी रोल नहीं है इंटरकोस्टल मसल्स बिल्कुल यहां पर राइट right है इसमें कोई शक नहीं है पर ऑप्शन थ्री में डायफ्राम दिया गया ये भी right है भी राइट ऑप्शन में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों को एक साथ लिया गया इसलिए ज्यादा करेक्ट आंसर होगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आपको सिलेक्ट करना है वो है ऑप्शन फोर यानी डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग पर अगर आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे तो वहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अलावा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है आई होप आपने सभी क्वेश्चन के राइट आंसर दिए होंगे अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसके सोल्यूशंस को भी मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया है ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही बताना चाहता हूं लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच धन्यवाद